नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैस्ट्रल इंडिया कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक में, कैस्ट्रल इंडिया में, अभी इतना बड़ा सा एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है और जिनका पोर्टफोलियो में है तो उनको तो लॉस दे रहा है। तो अभी ये स्टॉक में अभी एक स्विंग ट्रेड का कॉल हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसका पीछे का रीजन भी समझेंगे और टारगेट क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर हम इसी हिसाब से बात करेंगे, देखिए मार्केट जब करेक्शन पे होता है उसी टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक मैंने वहाँ पे बताया था, IRCTC हुआ, यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, उसी आफेल इंडिया हुआ, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक है जो कि अभी हमें एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक हुआ, एजिस लॉजिस्टिक में तो हमें 30-35% तक का रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पे बर्जर पेंट हुआ, जंक्शन कंट्रोल हुआ, ये सारे स्टॉक में हमने, जैसे भी मैंने आपको बताया, वो सारे स्टॉक में मेरा भी पोजीशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मार्केट जब गिरता है उस टाइम पे हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा माल अक्यूमुलेट करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे कैस्ट्रल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कैस्ट्रल इंडिया, देखिए अगर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी यहाँ पे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका अगर डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, जो कि यहाँ पे 2% का, यहाँ पे 2.6% का डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का यहाँ पे पी ओनली 13 के पास में चल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट, मतलब कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखिए 272 है। और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 51% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। और लास्ट अगर हम बात करेंगे, लास्ट एक साल से कंपनी ने यहाँ पे 743 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का क्या कारोबार है, आप सबको पता है। यहाँ पे सबको यहाँ पे परिचित है, जो कि ये लुब्रिकेंट, यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल का इनका प्रोडक्ट है। तो कैस्ट्रल इंडिया इज द प्रिंसिपल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक बिजनेस है। तो यहाँ पे कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, कंपनी का अभी इस क्वार्टर में 206 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रोथ भी नजर आया, जो कि यहाँ पे 140 करोड़ का था और यहाँ पे 206 करोड़ का देखने को मिला है। और लास्ट 4 क्वार्टर में देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, 809 करोड़ का कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट भी है। और यहाँ पे सेल्स देखिए 4,600 करोड़ का कंपनी के पास सेल्स भी देखने को मिला है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसी बेसिस पे अगर कंपनी का हम अगर रिजर्व देखते हैं, कंपनी के पास में एक बेहतरीन रिजर्व है, जो कि 1,300 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 51% का स्टेक अभी प्रमोटर के पास में है। DI के पास में 10.6 है, उसके साथ में यहाँ पे FI के पास में 10.6 है, और DI के पास में यहाँ पे 16% है। उसके साथ में यहाँ पे 22% का रिटेल पब्लिक के पास में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ट पे जाके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे काफी दिन से तो एक करेक्शन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जो बॉटम है ना, मुझे लगता है ये एक बॉटम बन चुका है। यहाँ पे के आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक में सीधा सीधा यहाँ पे एक रिसेंट टारगेट मिल सकता है, जो कि 139 का टारगेट है। आप यहाँ पे 139 टारगेट के लिए, फास्ट टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको मिल सकता है ये टारगेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट के बारे में हम बात करेंगे तो वहां तक आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जो हाई लगाया है, जो कि 154 का, एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ में हाई लगाया, ऐसा नहीं कि ऐसे विदाउट वॉल्यूम गया है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे हाई लगाया है। उसी के साथ में कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी का अगर हम बात करेंगे डेट फ्री कंपनी है, सारे पैरामीटर हमारा फेवर में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे जो लुब्रिकेंट कंपनी है, काफी सारे कंपनी है, ये सारे कंपनी थोड़ा सा दबाव में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सब टाइम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। कंपनी में अगर प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अगर मार्केट लीडर है, अगर कंपनी अपना बिजनेस में सॉलिड करता है, तो हमें आने वाले टाइम पे सुनर और लेडर यहाँ पे जरूर एक गेन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये आपका पहला टारगेट रह सकता है, जो कि 139 का टारगेट है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, 139 का टारगेट आपका रहेगा।
देखिए पहला टारगेट आपका 139 रहेगा और यहाँ पे जो सेकंड टारगेट रहेगा 154 रहेगा, ठीक है। तो सेकंड टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हैं 154 है, तो यहाँ पे सेकंड टारगेट तक भी आप बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 35% का यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड देखिए सही टाइम पे हम सही स्टॉक में पोजीशन बनाना है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे अफेल इंडिया के बारे में बताया था, तो यहाँ पे उसका टारगेट ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को बताया था कि यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस में भी एंट्री ले रहा हूँ, बजाज फिनसर्व में भी एंट्री ले रहा हूँ। तो वहाँ पे जब टाइम आता है सही टाइम पे सही स्टॉक में एंट्री लेना है और सही टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो यहाँ पे टाइटन में भी मैंने बताया था। तो इसमें होता है क्या है, जब बढ़िया बढ़िया स्टॉक होता है ना उसे सही टाइम पे हमें पकड़ना होता है और अपना टारगेट तक हमें होल्ड करना है। अगर टारगेट तक हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए तो हमें पैनिक किसी भी सिचुएशन पे नहीं होना है, क्योंकि हमने एक सॉलिड स्टॉक चूज किया है तो कंपनी का मार्केट लीडर भी है, अपना सेगमेंट में 15-20 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो इसी हिसाब से हम स्टॉक को सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट 139 है और दूसरा टारगेट 154 है। अगर हम टिकर टिप में जाके देखते हैं तो यहाँ पे क्या टारगेट निकल करके आता है, जो कि कंपनी का अगर हम बात करेंगे प्रो वर्जन में जाके आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, उसके साथ में क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का, देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में है ये कंपनी ने कमा के दिया है। कंपनी ने इतना बड़ा तो रिटर्न कमा के नहीं दिया है, जो कि 179% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न तो कमा के कंपनी ने नहीं दिया है। लेकिन अगर हम फोरकास्टिंग के हिसाब से देखते हैं, जो एनालिस्ट का व्यू है, एनालिस्ट क्या बोलते हैं ये स्टॉक में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एनालिस्ट है 8 एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग का कॉल दे रहे हैं, तो उनका जो कॉल है तो यहाँ पे 167 तक का उनके हिसाब से स्टॉक में एक तेजी आ सकता है। एक मिड टर्म में यहाँ पे 135 तक का तेजी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने ये टारगेट भी देखा जो कि दिग्गज यहाँ पे एनालिस्ट का व्यू है और यहाँ पे मैंने अपना व्यू बताया, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी व्यू को आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे 139 है, 154 है और यहाँ पे एनालिस्ट का व्यू है 135 है और 167 है। तो आपको जिस हिसाब से सही लगता है आप अपने उसी हिसाब से अपना स्टडी करके अपना पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी अभी लॉस में है तो वहाँ पे इनको लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप कितना स्टॉक में लॉस बुक करेंगे, अगर स्टॉक मार्केट में आप इनकम करने आए हैं, स्टॉक मार्केट में अपना एक बहुत बढ़िया एक वेल्थ कमाने आए हैं, वेल्थ जनरेट करने आए हैं, तो यहाँ पे बार बार अगर आप लॉस बुक करेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आपको स्टॉक में उसी हिसाब से सिलेक्शन करना है, सॉलिड स्टॉक को सिलेक्शन करना है और डीप में बाय करना है और वहाँ पे टॉप लेवल पे जाके सेल कर देना है, या तो फिर टेक्निकल के हिसाब से जहाँ पे निकलना है वहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। मूविंग एवरेज हो तो इस हिसाब से टेक्निकल लेवल पे या तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और स्विंग ट्रेड में 30% सीजर कमाना चाहते हैं, या तो फिर बढ़िया सा एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके आपको स्विंग ट्रेड में एक अच्छा सा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस नंबर पर आप जरूर मेरे साथ में कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।